चार कैफे क्यों आई। मेरा भाई जमील रहमान जो कि मेरा मुझे कंपनी दे रहा है इस व्लॉग बनाने में, और ये आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा बड़ा बन पड़ा हुआ है। और अभी जो सूरज भी निकले हैं, सनराइज थोड़े थोड़े से निकले हैं, और अभी क्योंकि टाइम हुआ है 7 बजे और हमने जाना है बहुत दूर, इसलिए हम जल्दी निकले हैं सुबह सवेरे। और इंशाल्लाह रास्ते में और भी खूबसूरत ऐसे एरियाज आएंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगा डिटेल के। एक्चुअली हम कल रात इबटाबाद पहुँचे थे बन्नू से, जो कि तकरीबन लगभग 380 किलोमीटर हमने सफ़र किया था, और अभी इंशाल्लाह निकले हैं। अभी जो सार आप लोगों को नज़र आ रही है जी इबटाबाद, और अभी इंशाल्लाह जाएंगे मनसेहरा बलाकोट और इस तरह नारान, इस तरह जिनसी फुलमलुक लालाजार। और आज का स्टे हमारा इंशाल्लाह नारान में होगा। बारिश शुरू हुई है, लगता है मुझे अब रेनकोट निकलना पड़ेगा भाई, ये बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी, क्योंकि इस इलाके में अक्सर बारिशें होती रहती हैं। बारिश काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने ये फ्लड्स आए हैं ये सब बारिश की वजह से आए थे। जैसे कि आजकल स्वाद के हालात इनकी फुल कर लेते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? फुल कर ले। बस बस, थैंक यू। बारिश हुई है भाई, लो रोड काफ़ी स्लिपरी हो चुका है, और अल्लाह करे कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है बारिश से। हम अल्हम्दुलिल्लाह बालाकोट इंटर हो चुके हैं, अभी तकरीबन 8-10 मिनट लगेगा बालाकोट की सिटी को, और इंशाल्लाह इसके बाद फिर निकलेंगे शुक्रान की तरफ। अगर मौका मिल गया तो पहले शुक्रान देखेंगे, वरना शुक्रान को हम निगलेक्ट करके ना आगे नारान साइड पे निकलेंगे। हाँ, ये है जी बालाकोट की खूबसूरती, चेक कर ले भाई बालाकोट। कैफे केवाई पहुंचे भाई हम, केवाई अब साथ काफ़ी सालों बाद आए हूँ यहाँ पे, तकरीबन आई थिंक 4 साल भी नहीं, हम तकरीबन 2014 में आए थे, 6+2 8 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ।
चेक कर लीजिए व्यू, ये है जी केवाई का आबशार। चढ़ाई है भाई, चढ़ाई फुल चढ़ाई है। खूबसूरती तो भाई नारायण कान की है, बहुत ही अच्छी सड़कें, कारपेटेड रोड, प्लस ठंडा मौसम, प्लस ग्रीनरी ही ग्रीनरी, तो मज़ा तो आएगा ना भाई। और अगर बाइक पे भी हो जी, कहान का बाजार, कहान के कसीटी का कुछ इस तरह व्यू है। मस्जिद है माशाल्लाह तबारक, साथ साथ रेस्टोरेंट सब कुछ अवेलेबल है। ये नारायण का कहान भी ना काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी। खैर हमने कौन से पैदल चलना है, हमने भी तो बाइक पे चलना ना। कहान को क्रॉस किया है भाई और नारायण के बिल्कुल मीट पे हैं। तकरीबन यहाँ से आधा घंटा लगेगा पीर नारायण तक। और दरमियान में इस तरह का एक सेक्शन आया है, शायद ये डैम बन रही है यहाँ पे। रास्ता यार बहुत ख़राब है। तकरीबन कहान से के बाद जो रास्ता है बहुत ख़राब है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 20 मिनट गए नारायण तक। बस जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे नमाज करेंगे, गाना, और इसके बाद डायरेक्ट जिससे पर मलुक लेक को देखेंगे। और इसके बाद जो हो गया अगर टाइम मिल गया तो लालाजार देखेंगे, ना मिला तो स्टे कर लेंगे, सुपर लालाजार देखेंगे, उसके बाद फिर कब सर टॉप के रास्ते से आगे जाएंगे। वेलकम टू नारायण सिटी। सियाहत जो है खेल कूद क्रिकेट वगैरह में मसरूफ़ है,
और हम आए हैं बिल्कुल थके हुए। काफ़ी तब्दीली आई है, हम तकरीबन जब 8 साल पहले यहाँ पे आए थे तो ये जगह जितनी सारा बुक था, सारा का सारा एरिया बुक था, और हमने यहाँ पे एंट्री मारी थी। देखे भाई नारायण का सब कुछ सनसन पड़े हुए है इसमें इतना ज्यादा रश नहीं है। मस्जिद किधर है भाई? मस्जिद चलिए जी, नमाज पढ़ ले। ये जी मस्जिद, और अभी शायद नमाज का टाइम हुआ है। बिल्कुल माशाल्लाह हम पहुंच गए नारायण सिटी, और यहाँ पे अब खाना खाएंगे। बाइक खड़ी है भाई, रेडी टू गो टू सैफुल मुल्क लेक, बट हम कुछ खाना खाएंगे इसके बाद फिर निकलेंगे।